दोस्तों फ्री फायर गेम पे लक रॉयल के अंदर डायमंड रॉयल पे एक न्यू बंडल आ चुका है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इस बंडल को देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके आईडी पे डायमंड कार्ड है या फिर डायमंड है तो उससे आप स्पिन करके इस बंडल को अपने फ्री फायर आईडी पे निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप डायमंड से स्पिन करना जाएंगे तो इसके लिए काफी सारे डायमंड आपका खर्च हो सकता है। तो यदि आपके पास डायमंड कार्ड है तो ही आप स्पिन करिएगा, हो सकता है कि ये जो बंडल है ये आपको मिले। तो दोस्तों मेरे फ्री फायर आईडी पे 100 डायमंड कार्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि डायमंड रॉयल पे यदि आप 100 स्पिन कर लेते हैं तो सबसे रेयर वाला जो आइटम होता है वो मिल जाता है। जैसे कि इस बार डायमंड रॉयल पे ये जो बंडल है ये सबसे रेयर आइटम है। तो दोस्तों क्या मुझे 100 स्पिन ही करना होगा तब जाके जो बंडल है ये मुझे मिलेगा? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। मतलब दोस्तों आज का वीडियो एक एक्सपेरिमेंट टाइप का होने वाला है डायमंड रॉयल का, कि दोस्तों डायमंड रॉयल पे क्या 100 स्पिन ही करना होता है तब जाके जो रियर आइटम होता है वो मिलता है, या फिर दोस्तों कम स्पिन के अंदर ही सबसे रियर वाला जो आइटम होता है वो मिल जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। तो चलिए अपना आईडी को ओपन करते हैं और डायमंड कार्ड से स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। और उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दबा के लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना आईडी ओपन कर लिया है तो सिंपली से मैं यहाँ पे लक रॉयल पे प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लक रॉयल पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि डायमंड रॉयल पे जो बंडल है ये दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे आईडी पे 98 डायमंड कार्ड है और पहले से ही मैंने यहाँ पे 2 स्पिन कर लिया है। इसका मतलब दोस्तों 100 डायमंड कार्ड मेरे आईडी पे था, 2 स्पिन मैंने यहाँ पे किया है तो अभी मेरे आईडी पे 98 डायमंड कार्ड है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों डायमंड रॉयल के अंदर काफी सारे आइटम मुझे पहले से ही मिल गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी मुझे मिलना बाकी है एक मैजिक क्यूब या फिर मैजिक क्यूब का फ्रैगमेंट या फिर जो बंडल है ये। तो चलिए दोस्तों फटाफट से स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायमंड कार्ड से एक स्पिन करके देखूंगा, उसके बाद 10-10 स्पिन करके देखूंगा कि कितना डायमंड कार्ड खर्च करने पर मुझे यहाँ पे जो बंडल है ये मिलता है। तो चलिए दोस्तों मेरे आईडी पे 98 डायमंड कार्ड था तो मैं यहाँ पे 8 डायमंड कार्ड से यहाँ पे 8 स्पिन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 10 डायमंड कार्ड से स्पिन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा? तो मैंने यहाँ पे कर लिया है 8 स्पिन तो यहाँ पे टोटल 10 स्पिन हो चुका है। तो अभी मेरे आईडी पे 90 डायमंड कार्ड है। तो चलिए अभी यहाँ पे 10 डायमंड कार्ड से स्पिन करता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे 11 स्पिन मिलेगा। तो चलिए भले देख लेते हैं कि मुझे यहाँ पे जो बंडल है ये मिलता है या फिर दोस्तों मैजिक क्यूब मिलता है। तो इस बार तो नहीं मिला, तो चलिए भले फिर से डायमंड कार्ड से ही स्पिन करते हैं। 10 डायमंड कार्ड मैंने यहाँ पे स्पिन कर दिया है तो चलिए इस बार देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या इस बार मिलेगा? अरे नहीं, अरे यार पहले जो मिला है वही आइटम यहाँ पे फिर से मिला। तो चलिए भले फिर से करते हैं यहाँ पे स्पिन। 10 डायमंड कार्ड से मैंने यहाँ पे कर लिया है फिर से। अरे यार मिल गया यार। तो फाइनली दोस्तों ये जो बंडल है ये मुझे मिल चुका है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि मुझे यहाँ पे 100 स्पिन नहीं करना पड़ा, 30 से 40 स्पिन के अंदर ही ये जो बंडल है ये मुझे मिल चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते है। तो जो लोग समझते है कि 100 स्पिन करना होता है तब जाके रियर आइटम मिलता है तो वो लोग गलत है। देखो फाइनली 30 से 40 स्पिन के अंदर ही ये जो बंडल है ये मुझे मिल चुका है। तो फाइल अभी भी मेरे आईडी पे 60 डायमंड कार्ड है। तो दोस्तों इस बार मुझे मैजिक क्यूब चाहिए क्योंकि दोस्तों मेरे आईडी पे मैजिक क्यूब तो नहीं है। तो चलिए फाइल यहाँ पे अभी मैजिक क्यूब निकालने का कोशिश करते हैं क्योंकि दोस्तों अभी भी मेरे आईडी पे 60 डायमंड कार्ड है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है फिर से 11 स्पिन 10 डायमंड कार्ड लेके। तो इस बार क्या मुझे यहाँ पे मैजिक क्यूब मिलेगा? नहीं मिला। तो चलिए फाइल फिर से करते है, इस बार देख लेते हैं क्या होता है। इस बार तो मिल जा यार, मिल जा मिल जा। अरे यार मिल गया मैजिक क्यूब। अरे अरे फिर से ये वाला बंडल मिल गया यार, ये क्या हो गया, ये तो स्कैम हो गया यार। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऐसा भी होता है, एक ही आइटम बार बार आपको मिल सकता है। तो चलिए फलो यहाँ पे फिर से करते हैं 10 डायमंड कार्ड से क्योंकि मुझे मैजिक क्यूब चाहिए। तो क्या इस बार मुझे यहाँ पे मैजिक क्यूब मिलेगा? अरे यार नहीं मिला। तो चलिए भलो फिर से करते हैं, इस बार तो मिलना ही चाहिए यार। मैजिक क्यूब दे दीजिए ग्रीना दीदी, क्या करते हैं आप। अरे यार इस बार भी नहीं मिला। तो चलिए अभी भी 20 डायमंड कार्ड है तो मैंने यहाँ पे कर लिया है फिर से 10 डायमंड कार्ड वाला स्पिन। तो इस बार तो मिलना ही चाहिए।
अरे यार नहीं मिला, तो चलिए लास्ट स्पिन बाकी है, 10 डायमंड कार्ड से यहाँ पे लास्ट स्पिन कर लेते हैं और देख लेते हैं इस बार तो मिलना ही चाहिए मैजिक क्यूब। तो चलिए भाई लोग देख लेते हैं क्या होता है। जय गणेश दीदी, मिल जा मिल जा। अरे यार मिल गया, अरे यार फिर से बंडल, ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया यार, सारे डायमंड कार्ड मेरा चला गया, मैजिक क्यूब नहीं मिला यार। अरे भाई लोग ऐसा थोड़ी ना होता है, डायमंड कार्ड का कितना कीमत है ये तो आपको पता होगा, डायमंड कार्ड थोड़ा बहुत फ्री में मिल जाते हैं टोकन वगैन से, बाकी का खरीदना होता है यार। तो मैंने खरीद खरीद के 100 डायमंड कार्ड किया था, सारे चले गए यार। अरे यार ये बंडल तीन दिन बाद क्यों मिला यार, खैर छोड़ो, ये जो बंडल है ये तो मुझे मिला ओपी लेवल का बंडल। और भाई लोग यहाँ पे आप देख लीजिए कि यही बंडल यहाँ पे बंडल के अंदर दो दिखाया जा रहा है, मतलब दोस्तों ये जो बंडल है ये मुझे तीन तीन बार मिला है। इसके अलावा दोस्तों मेरे आईडी पे काफ़ी सारे बंडल है आप देख सकते हैं, जिसे मैंने अभी तक खोला नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना बंडल लेके क्या करूँगा यार, इवेंट वगैरह जो मैं एक्सपोज करता हूँ वहाँ से मिलता है, काफ़ी सारे बंडल है आप देख सकते हैं कि मेरे आईडी पे। तो आप लोगों के आईडी पे कितने सारे बंडल है वो आप कमेंट पर बता दीजिएगा। ये गिफ्ट भी नहीं होता यार, नहीं तो आप लोगों को मैं गिफ्ट कर देता, जैसे कि भाई लोग काफी सारे बंडल आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे यार मैजिक क्यूब चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। तो भाई लोग आप लोगों को पता होगा कि जब लाइट पास लेते हैं तो लाइट पास से ये वाला बॉक्स मिलता है जहां से मैजिक क्यूब मिलता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए भाई लोग इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि मैजिक क्यूब एक क्या मिल गया। अरे यार लेडी बंडल का हियार मिला यार, ये देखिए। तो मैजिक क्यूब क्या इस बॉक्स से मिलेगा, चलिए भाई लोग साथ इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अरे यार यहाँ से भी नहीं मिला, तो चलिए फिर से करते हैं, यहाँ पे 10 बॉक्स है, चलिए फिर से ओपन करते हैं, मिल जाए यार मैजिक क्यूब। नहीं मिला यार, शायद नहीं मिलेगा यार, ग्रेना दीदी मेरे पे गुस्सा हो गया है। तो भाई लोग यहाँ पे मुझे मैजिक क्यूब नहीं मिला। इसके अलावा मेरे आईडी पे काफ़ी सारे गन बॉक्स भी है आप देख सकते हैं, जिसे मैंने अभी तक खोला नहीं है। तो चलिए अब इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि किसी भी गन बॉक्स से परमानेंट गन मिलता है या नहीं। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन करते हैं। तो क्या दोस्तों इस गन बॉक्स से परमानेंट गन स्किन मिलता है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि किसी भी गन का स्किन मुझे परमानेंट इस बॉक्स से मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो क्या होगा। अरे यार तो फाइनली यहाँ पे एक मिल चुका है M60 गन का स्किन, वो भी परमानेंट। तो चलिए फिर से ओपन करते हैं, तो क्या मुझे फिर से परमानेंट गन स्किन मिलेगा। तो चलिए भाई लोग देख लेते हैं, सारे बॉक्स को आज हम ओपन कर देंगे, काफ़ी दिनों से हमने ओपन ही नहीं किया यार, काफ़ी सारे इवेंट वगैरह से मुझे मिला था, तो मैंने सोचा एक दिन आप लोगों के सामने ही इसे ओपन करेंगे, ताकि आप लोग ये जान सके कि इन सारे गन बॉक्स से परमानेंट किसी गन स्किन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो चलिए भाई लोग फिर से करते हैं यहाँ पे ओपन, देख सकते हैं भाई लोग 7 दिन 24 घंटे 3 दिन इसी तरह से ही मिल रहा है यार। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मिल चुका है MP5 का स्किन, जैसे कि भाई लोग यहाँ पे देख लीजिए वो भी परमानेंट। तो इससे ये साबित होता है कि इन सारे बॉक्स से परमानेंट गन स्किन भी मिलता है। तो चलिए भाई लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने ये देखा कि ये जो बंडल है, ये बंडल मुझे कम डायमंड कार्ड के स्पिन में ही मिल चुका है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि डायमंड रॉयल पे 100 स्पिन ही करना होता है, तो दोस्तों एक दो स्पिन में भी आपको मिल सकता है। तो यदि आपके आईडी पे डायमंड कार्ड है तो उससे आप स्पिन करके देख लीजिएगा, हो सकता है कि जो बंडल है ये आपको मिले। लेकिन दोस्तों आप डायमंड खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डायमंड का जो कीमत है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज्यादा कीमत है डायमंड का। तो ऐसे में आप डायमंड कार्ड से स्पिन करके कीजिएगा, हो सकता है कि जो बंडल है ये आपको मिले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, और आपके मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने सुजन भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन को प्रेस करके साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पर दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।